बात करें एक ऐसे यूट्यूबर के बारे में जिनसे यहाँ पे अगर आप उसके यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो वहां पे उस चैनल पर आपको कोई भी बढ़िया एडिटिंग दिखाई नहीं देगी, लेकिन एक छोटे से स्मार्टफोन से उन्होंने अपनी वीडियो एडिट कर रखी है। और साथ में दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूं उसके चैनल पर डेली बेस 62,000 सब्सक्राइबर गेन कर पा रहा है। दोस्तों यहाँ पे मैं इस चैनल को एक हफ्ते से नोटिस कर रहा हूँ। साथ में दोस्तों यहाँ पे मैंने अपने मोबाइल की स्क्रीन या फिर मैं बात करूँ मेरे जो कंप्यूटर की स्क्रीन है उस पर लाइव काउंट लगा रखा है, जिसमें दोस्तों यहाँ पे मैं चेक करता रहता हूँ कि हर सेकंड में कितने सब्सक्राइबर गेन कर पा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 1 मिनट के अंदर वो कंपनी या 4 सब्सक्राइबर आसानी से गेन कर पा रहा है। दोस्तों यहाँ पे 1 घंटे के अंदर 3 से 4 हजार सब्सक्राइबर अच्छे तरीके से आ पा रहे हैं। और साथ में दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ उसके 3 दिन के अंदर 1.5 लाख सब्सक्राइबर मिनटों के अंदर आ गए। और दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूँ उस ऐसे लड़के के बारे में जिसके पास ना तो कोई हाई क्वालिटी का कैमरा है ना ही कोई हाई क्वालिटी का स्मार्टफोन है, सिर्फ 3 GB RAM 32 GB स्टोरेज वाले एक रेडमी का स्मार्टफोन है जो काफी हैंग होता है, उससे वो वीडियोस अपलोड करते हैं। साथ में दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने काफी अच्छी लाइट्स लगा रखी है। इधर मैंने स्टूडियो वाली लाइट लगा रखी है, पीछे आप देख सकते हैं कि मैंने ओकुस्टिक फॉर्म लगा रखा है। और दोस्तों यहाँ पे मैं 4 साल हो गए मुझे अपने YouTube चैनल पर, लेकिन मैं 10 हजार सब्सक्राइबर भी गेन नहीं कर पा रहा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे उन्होंने सिर्फ 6 महीने के अंदर इतनी तेजी से अपने चैनल को वायरल कर लिया, जिसके बारे में दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस YouTube चैनल का नाम है Greeb MS Vlogs। तो दोस्तों यहाँ पे इसका जो पहले चैनल का नाम था वो था कि Greeb MS Gaming के नाम पे चैनल था। दोस्तों यहाँ पे अब इन्होंने चेंज कर इसका नाम Greeb MS Vlogs रख लिया। और दोस्तों यहाँ पे इसके चैनल पर अगर आप डेली बेस की व्यूज देखेंगे तो 1 लाख से ज्यादा व्यूज आ रहे हैं। और साथ में दोस्तों यहाँ पे इसके यूट्यूब चैनल पर 1 दिन के अंदर 1 लाख सब्सक्राइबर भी आए हैं, मैं खुद अपनी आंखों से देखा। और साथ में दोस्तों यहाँ पे काफी तेजी से इनकी वीडियोस में इंप्रूवमेंट आ रहा है। और साथ में दोस्तों यहाँ पे इसके पास कोई भी ब्रांड न्यू स्मार्टफोन नहीं है, अभी इन्होंने अपने यूट्यूब की अर्निंग से एक स्मार्टफोन परचेज किया। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पहले जो इसका स्मार्टफोन था वो रेडमी का 3 GB RAM 32 GB स्टोरेज वाला था, जिसके अंदर आप सोच सकते हैं कि काफी ब्लॉगिंग करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि इतनी ज्यादा स्टोरेज नहीं होती। और यहाँ पे जब आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो 1 मिनट की वीडियो भी आपकी 1 GB या 2 GB के आसपास चली जाती है। तो यहाँ पे उन्होंने उस फोन से काफी तेजी से वायरल हो गए, काफी तेजी से वायरल हो चुके और साथ में दोस्तों यहाँ पे काफी अच्छा इंप्रूवमेंट कर पाए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इसके यूट्यूब चैनल पर खुद मनोज देव भी आए और यहाँ पे उनके चैनल को देखकर काफी हैरान है। और दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ अब अगर आप उसके चैनल पर जाएंगे तो यहाँ पे कल उसके 7 लाख सब्सक्राइबर थे और आज उसके 7,70,000 सब्सक्राइबर कंप्लीटली हो चुके थे, लेकिन जब मैं इस वीडियो को अपलोड करूंगा तब तक वह कंप्लीटली 8 लाख सब्सक्राइबर आसानी से कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसके YouTube चैनल पर ये काफी तेजी से कैसे वायरल हुई, तो यहाँ पे इसकी पहली जो वीडियो थी 2 या 3 महीने पहले इसके काफी अच्छे व्यूज नहीं थे। जब इन्होंने एक वीडियो अपलोड की थी कि मेरा गूगल एडसेंस पिन आ चुका, तो यहाँ पे उसकी वीडियो काफी तेजी वायरल हुई। अगर मैं बात करूं उस वीडियो पर अब 1.2 मिलियन यानी 12 लाख व्यूज आ चुके। उसके बाद दोस्तों यहां पे उन्होंने सिर्फ अपनी अच्छी क्वालिटी ही दिखाई है कि मैं घर पर क्या करता हूं, खाना बनाता हूं कैसे, ब्लॉग हर एक ब्लॉग के अंदर जो भी अच्छी अच्छी चीजें थी वो दिखाई है, कोई भी फेक चीज नहीं दिखाई, जिसके कारण दोस्तों यहाँ पे तेजी से वायरल हो चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप ब्लॉग्स डेली बेस अपलोड करते हैं और यहाँ पे आप अपना कंटेंट दिखाते हैं या फिर आप अपना अच्छे तरीके से चैनल पर ध्यान देते हैं तो यहाँ पे 100% आप वायरल होंगे। अगर मैं बात करूँ खुद मैं अपने चैनल पर 1 महीने 2 महीने गायब हो जाता तो मैं किस तरीके से वायरल हो सकता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपकी छोटी सी अपडेट व इन्फॉर्मेशन काफी अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना। आपके लिए ऐसी अपडेट व इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहूंगा, मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो में। ओके बाय टाटा।